भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका से गुरुवार को रवाना हो चुके हैं। वे शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी जर्मनी, भारत और वियतनाम के उनके 3 दिवसीय कार्यक्रम के अनुसार वे सबसे ज्यादा समय भारत में रहेंगे। जो बाइडेन के रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के COVID-19 दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। गौरतलब है कि भारत के लिए रवाना होने से 1 घंटे से पहले राष्ट्रपति का एक और कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। अमेरिका की प्रथम महिला हाल ही में कोरोना संक्रमित पाई गई थी, हालांकि आज उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका से रवाना होने के बाद बाइडेन शुक्रवार को जर्मनी के रैमस्टीन में रुकेंगे, शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शनिवार को स्वागत के औपचारिक कार्यक्रम के बाद G20 के पहले सत्र वन अर्थ और अगले सत्र वन फैमिली में भी बाइडेन मौजूद रहेंगे। बाइडेन दुनिया में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के लिए सहयोग पर आयोजन का भी हिस्सा बनेंगे। बाइडेन राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। अगले दिन यानी रविवार को G20 के अन्य नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे, फिर नई दिल्ली से हनोई वियतनाम के लिए रवाना होंगे, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक संपर्क समन्वयक जॉन किर्बी ने बताया कि पीएम मोदी व बाइडेन की बैठक में यूक्रेन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की संभावना कम है। उम्मीद है कि दोनों में G20 के एजेंडा आर्थिक सहयोग व बहुपक्षीय निवेश, बहुपक्षीय विकास, बैंकों में सुधार व पुनर्गठन पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पेरी ने कहा कि भारत की मेजबानी में G20 सम्मेलन की सफलता के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। अमेरिका पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करता है। जून के अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी व राष्ट्रपति बाइडेन ने साझी प्राथमिकताओं को पूरा करने का दृढ़ निश्चय दर्शाया था। बाइडेन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।